दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग की एंड्रॉयड टीवी या फिर स्मार्ट टीवी है और उस टीवी में आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी जो आपके पेन ड्राइव में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं उस फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को आप अपने सैमसंग के टीवी में देखना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई सा भी पेन ड्राइव हो, उसको आप एक ही तरीके से अपने टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हमें टीवी ऑन करना है या फिर टीवी को ऑन करने से पहले हमें क्या करना है, हमें अपने पेन ड्राइव को, ये हमारी पेन ड्राइव है और हमें अपने इस पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट होता है, इस यूएसबी पोर्ट के जो ऑप्शन होगा टीवी में, उसी ऑप्शन में हमें इस पेन ड्राइव को लगाना है। तो यहाँ से पहले हम पेन ड्राइव को टीवी में लगाएंगे। अब टीवी में पेन ड्राइव लगाने के बाद मैंने यहाँ से टीवी में पेन ड्राइव को लगा दिया है। अब टीवी में पेन ड्राइव लगाने के बाद हमें क्या करना है, अपने रिमोट से हमें होम बटन को दबा देना है। तो यहाँ से हम रिमोट का होम बटन दबाएंगे और होम बटन दबाने के बाद हमें इस ऑप्शन पे आना है, ये जो स्क्रॉल लिखा हुआ है, एरो का निशान बना हुआ है, हमें इस ऑप्शन पर आना है। और इस ऑप्शन पर आने के बाद यहीं से हम ऊपर के साइड में देखेंगे कि हमारा पेन ड्राइव का आइकन यहाँ पर शो हो जाएगा, तो यहाँ से हम ओके बटन दबाएंगे। अब जैसे ही हम ओके बटन को दबाएंगे तो जितना भी हमारे पेन ड्राइव में फाइल होगा वो सारा फाइल शो होने लगेगा। तो यहीं से हम अपने पेन ड्राइव का वीडियोज़ और फोटोज़ अपने टीवी में देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने सैमसंग टीवी में पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।